आज के मेहमान। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से जो कि अपने अपने फील्ड में बहुत तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रेरक हैं और जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, जिनकी जिंदगी एक अपने आप में ही प्रेरणादायी होती है। तो अगर हम कहेंगे आसमान पर ईश्वर होता है तो धरती पर होते हैं डॉक्टर, और आकाशवाणी में तो डॉक्टर्स भी आते हैं और कलाकार भी आते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एफएम गोल्ड के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत है जो कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के उपप्राचार्य और डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर एस के रसानिया। आप अपनी फील्ड के कमाल के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और दिल से एक कलाकार हैं, बहुत ही सुंदर गाते हैं, गीत संगीत की बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व से आज मैं तो कहूंगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर सानिया मेरे सामने बैठे हैं और हम जानेंगे उनके बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत एफएम गोल्ड के स्टूडियो में। मैं एफएम गोल्ड का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मेरे बचपन की अभिलाषा थी कभी कि मैं भी कभी आकाशवाणी में या दूरदर्शन में आऊं, और आज मैं अपना एक स्वप्न को साकार होते देख रहा हूं आकाशवाणी के माध्यम से इस मंच पे आके आपके सामने प्रस्तुत होकर। इससे पहले वैसे मैं आकाशवाणी पे आ चुका हूं मगर रोहतक स्टेशन पर। अच्छा। मगर यहां पर आज पहली बार दिल्ली आकाशवाणी में आके मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने की बचपन की बात, तो हम बचपन से ही शुरुआत करते हैं। मतलब पहले से ही मालूम था कि एक बात होती है कि मन में एक पता चल जाता है कि मेरी कॉलिंग क्या है, मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐसा कभी महसूस हुआ था कि मैं क्या करूंगा आगे? मेरा खुद का स्वप्न जो था सेना में जाने का था। अच्छा। मगर मेरे पिताजी का था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन सेना तो रक्षा करती है बॉर्डर पर, लेकिन जो शहरों में हमारी रक्षा करते हैं वो होते हैं डॉक्टर, तो मैं कहूंगी आप एक प्रकार से सैनिक ही हैं। मैं अपने पिता का जो स्वप्न था वो मैंने कहा नहीं, उनको सार्थक करना जरूरी है, तो फिर मैं डॉक्टर बना। मगर डॉक्टर बनने का मैंने फिर भी सेना के अंदर जाने की कोशिश की, आर्मी मेडिकल कोर में जाने की 3 बार कोशिश की, मगर दुर्भाग्यवश किसी न किसी वजह से 3 बार मैं नहीं जा पाया उसमें। तो मैं तो इसको ही मानता हूँ कि नियति जहाँ आपको लेके जाती है वहाँ आपको जाना होता है। मगर ये विविध भारती से मेरा तो बचपन से इतना संबंध रहा है कि सोते समय विविध भारती मेरे कान के साथ रहता था। रात को 11 बजे आपकी सेवा समाप्त होती थी, सुबह सुबह डांट पड़ रही होती थी मुझे मेरी मम्मी के द्वारा कि रात भर ये रेडियो चलता रहा। तो रेडियो से आप बचपन से ही जुड़े हुए हैं, संगीत की तरफ पहले से ही रुझान था। तो फिर उसके बाद आपने जब मेडिकल प्रोफेशन की ओर झुकाव, आपको लगा कि यहाँ जाएंगे, तो किस किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ी? जिंदगी का जहाँ तक कहें तो जिंदगी तो विभिन्न आयाम लेकर आती है, बहुत उतार चढ़ाव लेकर आती है। यदि मैं अपने बचपन को देखूं, हम काफी गुर्बत के दिन बिताकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और एक निम्न आय वर्ग श्रेणी के परिवार था हमारा। पिताजी सरकारी कर्मचारी थे जरूर, मगर छोटी सी तनख्वाह में 6 लोग, 4 भाई बहन और 2 पापा हमारे, उनका किस तरह से लालन पालन हुआ है बचपन के, वो सब गुर्बत के दिन कभी सोचते हैं तो एक अच्छा सुखद अनुभव भी होता है, और साथ में ये लगता भी है कितना कष्टमय जीवन हमने बचपन में जिया है। मगर एक बात तय है कि कभी भी मेरे पापा ने, कभी मेरी मम्मी ने, कभी भी हमें एहसास नहीं होने दिया, किसी चीज की कमी नहीं होने दी किसी प्रकार से भी जी, और हमें शिक्षा लालन पालन पूरा सही तरह से किया जो एक होना चाहिए, और हमने भी पूरी कोशिश की कि किसी प्रकार से उसमें कोई कमी ना आने दी जाए।
मेडिकल एक स्टूडेंट जब शुरुआत करता है, आजकल तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं, उस समय और आज की परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट के सामने क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, और जो बच्चे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, माँ बाप सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात सही है कि भारतवर्ष की जो चिकित्सा की पढ़ाई वर्ल्ड की टफेस्ट पढ़ाई है। हमारे टाइम में जो मेडिकल एजुकेशन थी, उस टाइम में जो टीचर थे और जो जितना हमारी तरफ उन टीचर्स ने ध्यान दिया, अभी भी दे हैं, अभी भी वो सब चीजें हैं, मगर उस टाइम में जो जितना कठिन था पढ़ाई, और एक तो घर से बाहर निकलकर दूसरे शहर में जाना, वहां पढ़ना, तो घर याद आता था। मुझे अभी भी याद है कि उस टाइम में जो अंतरदेशीय पत्रकार होते थे, इनलाइन लेटर जो थे, उसके अंदर के एक एक पन्ने पे हर चीज लिखना। अभी तो खैर माध्यम दूसरे आ गए हैं, मोबाइल के माध्यम से रोज आप बात कर सकते हो। हमारे समय तो वो सब चीजें नहीं थी। अभी भी उस टाइम का याद करते हैं तो लगता है कितना कष्टमय था उस टाइम में, जिस तरह से हमने मेडिकल में पढ़ाई किया था जी। और पीजी जो मैंने किया था वो मेरा सबसे कष्टमय जीवन था उस समय का। पीजी भी आपने यहाँ? नहीं, कानपुर। दोनों मेरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कानपुर मेडिकल कॉलेज की है जी। मगर एक अजीब सा जो जिंदगी का सबसे तनावमय पीरियड में अपने पीजी टाइम को मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम में हर तरफ से काफी कुछ मेरे तरफ प्रेशर था, कई सारी चीजों का जी, आर्थिक तंगी भी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज में टीचर बनूंगा, मगर उस टाइम में मैंने एक चीज प्रण किया था कि कभी भी यदि मैं इस काबिल हुआ कभी, तो मेरे नीचे यदि कोई भी काम करेगा तो कभी भी किसी के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, उनके सबके चेहरे पे खुशी दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस टाइम में बहुत आंसू बहाए हैं अपने। क्या बात है, कुदरत का करिश्मा देखिए कि मुझे ऐसी जगह बिछाया। मैं अभी अभी भी मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे सबसे ज्यादा स्नेह मुझे मेरे बच्चों से, मेरे रेजिडेंट डॉक्टर्स, मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स सबसे मिलता है। मैं लेडी हार्डिंग में भी रहा हूँ, सफदरजंग में भी रहा हूँ, अभी भी मुझे अच्छा लगता है जब मुझे मेरे पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं और अभी भी वो सब बातें बताते हैं मेरे बारे में, मुझे अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी की कमाई वही है जो बच्चों के चेहरे पे मैं खुशी देखता हूँ। क्या बात है। और श्रोताओं, जिस प्रकार से जब डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं तो उनके चेहरे के भाव में पढ़ पा रही हूँ, एक बड़ा भावुक हृदय। और मैं कहूंगी कि बड़े खुशकिस्मत हैं वो छात्र जिनको ऐसे आचार्य प्राचार्य मिलते हैं जो कि न केवल उनकी मानसिक एक स्वास्थ्य समझ लीजिए और विद्या दोनों तरफ जिसका ध्यान हो, एक संतुलन बनाकर चले, तो खुशकिस्मत है सर आपके छात्र। और वो हम उदाहरण देख चुके हैं जब आकाशवाणी दिल्ली ने अपना प्रोग्राम वहां किया था, किस प्रकार का आपका जबरदस्त एक उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। तो ये तो बात थी बचपन की, और आपने जिक्र किया था अपने पिता का, तो अपने पिताजी के लिए कोई अगर गीत सुनवाना चाहे, क्योंकि FM गोल्ड 100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का ये जो चैनल है वो तो गीत संगीत की यात्रा के साथ चलता है। मेरे जीवन पे मेरे पिताजी का बहुत प्रभाव रहा है। मेरे पिताजी बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे जी। और बहुत स्ट्रिक्ट थे। बचपन में स्ट्रिक्टनेस यूजुअली कोई लाइक नहीं करता है, मगर मुझे अब भी लगता है कि मेरे जिंदगी में जो डिसिप्लिन है मेरी लाइफ में, उस पर कहीं ना कहीं मेरे पिता का प्रभाव है। वो बहुत ही एक सच्चे इंसान थे, और उनके कई सारी चीजें मुझे इतनी याद आती हैं। जब पहली बार मुझे कानपुर मेडिकल कॉलेज में छोड़कर आए थे, तो मुझे स्टेशन पर छोड़ के जब वापस ट्रेन में बैठे हुए थे, पहली बार मैंने अपने पापा को रोते देखा। करुण रंदन देख के मैं खुद पहली बार मुझे लगा कि मेरे पापा इतना रोते हैं। तो इतने सख्त इंसान के अंदर एक बहुत ही कोमल हृदय था।
मगर उनकी स्ट्रिक्टनेस, उनके डिसिप्लिन को मैं अभी भी कहता हूँ कि जो उन्होंने हमें सिखाया, यानी अखरोट की तरह होते हैं कि बाहर से बड़े कठोर और अंदर से बड़े कोमल। मुझे अभी भी याद है उनके कुछ एक गाने थे जो कभी रेडियो पे आते थे, पापा बहुत ही मायूस होते थे, हो जाते थे। तो एक उनके लिए मेरा गाना मेरे दिल में जो बहुत नजदीक है, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्ना सा बचपन, वो सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगे, मेरे पापा को समर्पित। आइए सुनते हैं आशीर्वाद फिल्म का ये गीत। बहुत ही प्यारा सा ये गीत, और हम भी बड़े भावुक से हो गए ये गीत सुनकर और बचपन की यादों में खो गए। लेकिन बचपन की यादों से मैं आपको वापस ले चलती हूँ मेडिकल कॉलेज की ओर। उसके बाद क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपने पीजी कंप्लीट कर दी, कानपुर में आप थे, तो दिल्ली आना कब हुआ, कैसे हुआ? पहले कानपुर को मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। कानपुर में क्योंकि मेरे जो पापा बेड रिडन थे, मतलब उनको दोनों तरफ पैरालिसिस था, राइट लेफ्ट दोनों साइड पैरालिसिस था, 8 साल तक मेरे पापा बिस्तर पर रहे। मेरी मम्मी जो थी उनका बहुत योगदान रहा हमारे पूरे परिवार को पालने में, बहुत योगदान रहा। जिस साल मैं मेडिकल कॉलेज में गया उसी साल मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ, राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। सिर्फ मम्मी थी जो टीचर थे दिल्ली में उस टाइम में, उनके सारे खर्चे में हम 6 लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में।
जितना मम्मी ने साधना की है हमारे परिवार में, मतलब उन्होंने मेरे पापा को 8 साल तक बिस्तर में जिस तरह देखभाल की, फिर हम बच्चों को भी जिस तरह देखभाल की, और मेरे हर एग्जाम में मेरे पास आई। मुझे याद है कि 3 जनवरी की रात थी, पूरी तरह ठंड थी, और मेरा एमडी का एग्जाम था उसके कुछ दिनों बाद। एक दिन सुबह सुबह रिक्शा आया, रिक्शे में बिल्कुल ठिठुरती एक महिला उतरी। मैं देख के हैरान, कौन है ये? ऊपर से खिड़की से देखा, मैंने कहा सुबह सुबह 5 बजे कौन है ये रिक्शे से उतर रहा है। और रूम में आया तो रूम में दरवाजा खुला तो देखा मेरी माँ सामने खड़ी थी। मतलब जो ये चीज है ना, मैं कहीं कभी अपनी बात को भूल नहीं सकता, कितना एहसान मेरे माँ, मतलब माँ तो माँ है, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, तो वो माँ के रूप में हमारे साथ होता है। वो एक मेरी माँ एक देवी, मैं मानता हूँ मम्मी पापा को देवी देवता के रूप में। और उनके लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए गाना जो मेरे पापा को भी बहुत पसंद था, और मैं भी जब कभी गाना आता तो मुझे लगता है कि वो गाना सिर्फ मैं अपनी मम्मा को याद करता हूँ। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। दुनिया की सारी माओं को समर्पित ये भावपूर्ण गीत था, और हम भी जब कभी इस गीत को सुनते हैं हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माँ तो एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर का वरदान है कि उनका हाथ जब अपने बच्चे पर पड़ता है सारी परेशानियों उनकी हर लेता है। डॉक्टर साहब, फिर कानपुर की यादों से थोड़ा सा और आगे बढ़े। उसके बाद मैं आया दिल्ली में, और दिल्ली में आके मैंने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 3 साल रहा।
असली जो मुझे एक टीचरों का सानिध्य प्राप्त हुआ, सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में प्राप्त हुआ, क्योंकि उसमें से एक जो मेरी उस समय विभाग अध्यक्ष थी, तो वो जब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से हमारे लेडी हेड मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य बनकर आई, इतना प्यार उन्होंने दिया कि मुझे पूरे मेडिकल कॉलेज में बदनामी हो गई कि होते ये तो हमारे प्रिंसिपल का ब्लू आईड बॉय है, क्योंकि वो इतना सारी जिम्मेदारी मुझे देती थी। मगर जितना काम मैंने उस टाइम अपने 3 साल के सीनियर एजेंसी में किया, मैं अपने आप को उसमें संपूर्णता पाता हूँ हर तरह से, क्योंकि वहां पर मुझे इंटर्न्स के साथ भी काफी अच्छा रहा मेरे संबंध, और सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा, जिसे कहें प्रोसेस विकास जो होता है वो विकास मेरा वहाँ अच्छी तरह से हुआ। डॉक्टर साहब, एक जो मेडिकल स्टूडेंट होता है वो क्या सोचता है उस समय, उसके मन में क्या भय होते हैं, फ्यूचर को लेकर क्या आकांक्षाएं होती है, क्या अपेक्षाएं होती है, जो आपकी अपेक्षाएं थी आकांक्षाएं थी वो पूरी हुई है? देखिये, जब मेडिकल कॉलेज में बच्चा पहली बार आता है तो उसके बहुत सपने होते हैं, और उसके मन में एक होता है कि अब तो मैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 3 बार आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट डेज होते हैं किसी स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर के लिए। एक वो जब वो मेडिकल कॉलेज में पहली बार आता ही आती है, और दूसरा जब पहली बार वो पहला एग्जाम पास करता है, उसके गले में स्टेथोस्कोप लटकता है जी, और उसको वार्ड में हॉस्पिटल में पेशेंट देखने का मौका मिलता है, मतलब उनको देख के उनके साथ में उनको कुछ ज्ञान अर्जन की कुछ मौका मिलता है। और तीसरा मौका मिलता है जब वो पहली बार इंटर्न बनता है और पेशेंट के लिए दवा लिखता है इंटर्न बन के, तो 3 बहुत अहम मौके हैं, क्योंकि किसी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। बिल्कुल। तो पहला जो है उसमें जब मेडिकल कॉलेज में बात है तो बहुत ही एक लगता है कि उस टाइम में यदि उसको सही दिशा मिले तो वो दिशा मिलना काफी वो है। कि अभी पिछले दिनों का वाकया है कि हमारे कॉलेज में कुछ मिसअप हुआ, तो उसमें फिर बच्चों को मैंने एक बार सबको बुलाया ऑडिटोरियम में, सबके साथ बैठ के उनसे पूछा कि क्या क्या चीजें हो सकती है, आप कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। उस समय उनके मन में क्या क्या भाव थे, तो कुछ बच्चे जो आर्थिक तंगी की वजह से या कुछ किसी वजह से परेशान है, उनके किताब का उपलब्धता नहीं हो पा रही है, या कुछ को अपना लगता है कि वो होमसिक फील कर रहे होते हैं, तो वो सब इश्यूज को एड्रेस करना एक मेडिकल टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बात सही है कि जो उस टाइम में मन में विचार होते हैं मेडिकल कॉलेज में जाने के, वो धीरे धीरे पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि फिर आपका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे रह जाता है। मगर ये अच्छा है कि दिल्ली में एक माहौल बहुत अच्छा है कि आपको सर्वांगीण विकास का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कॉलेज के अंदर बच्चे कई सारे एरिया में अपने आप को आप पारंगत कर सकते हैं, उनको पूरा मौका मिलता है उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बहुत सारी विधाएं हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे बच्चे अपने आप, इनकी ड्रामेटिक सोसाइटी है, बच्चों की कल्चरल सोसाइटी है, बच्चों का स्पोर्ट्स ग्रुप है, पूरा बिल्कुल जैसे पूरा जैसे मंत्रालय होता है, बच्चों के अलग अलग मंत्री हैं उनके सबके, वो सब अपने अपने विधा में, उनका जैसे एक ड्रामेटिक सोसाइटी है, उनकी कल्चरल सोसाइटी है पूरा, और अपने अपने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं साल में 2 बार, उसमें उनकी विलक्षण प्रतिभा उनको दिखाने का मौका मिलता है। तो यहाँ दिल्ली में बहुत अच्छा है कि उनके सर्वांगीण विकास के बहुत नायाब मौके हैं, जो हमारे यहाँ पर जब हमने किया था उस टाइम वो सब चीजें शायद नहीं थी। मतलब बहुत कुछ सीन चेंज हो चुका है, बहुत चेंज है, बहुत चेंज बदलाव अभी बदलाव बहुत है, सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि हमारे टाइम में सिर्फ किताबें थी, अभी किताबें के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, उनको ऑनलाइन भी कई सारी चीजें हैं। मितवा आ जा रे मितवा मोरे मन मितवा आ जा रे मितवा मोरे मन मितवा आ जा रे रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका ओ मितवा रात के मुख पर चांद का टीका तुझ बिन लागे फीका फीका मितवा जा मितवा जा तुझको पुकारे प्यार किसी का आ जा रे मितवा मोरे मन मितवा आ जा रे आ
पल रोक ना पाए आंसू, क्यों इतने बरसाए आंसू, एक पल रोक ना पाए आंसू, क्यों इतने बरसाए आंसू, क्यों इतने बरसाए आंसू। कोई न जाने दुख बदली का, कोई न जाने दुख बदली का, तुझको पुकारे प्यार किसी का, आजारे 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 मितवा मितवा डॉक्टर साहब। जब आप ओपीडी में बैठते हैं पेशेंट्स को, मैं ओपीडी, मेरा ओपीडी का इतना नहीं होता, मेरे समय एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मगर हमारा तो प्राइमरीली बच्चों को पढ़ाने का काम ज्यादा है। अच्छा। और ओपीडी जो होती है हमारी, हमारे डिपार्टमेंट, उसमें इनके तीन अलग अलग जगह सेंटर्स होते हैं, अलग अलग सेंटर्स हैं, फील्ड प्रैक्टिस सेंटर। बेसिकली हमारा जो डिपार्टमेंट है, क्या क्या वजह जिसकी वजह मरीज बना, बीमार हुआ, उसको कैसे आप उस लेवल पे उसको ट्रीट कर सको, उस लेवल पर उसको रोक सको, प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट का मोटो है, कम्युनिटी मेडिसिन का जो काम है। हमारे लिए एक पेशेंट पेशेंट नहीं है, पूरी कम्युनिटी एक पेशेंट है, और कैसे उसके अंदर रोग ना हो, बीमार ना हो, उसको कैसे टैकल करें, वो हमारा उद्देश्य होता है। तो रियल प्रिवेंशन इज बेसिकली आवर मोटो, कि बीमारी ना हो, कि बीमार ही ना हो और अस्पताल जाना ही ना पड़े। मतलब ये भी एक डॉक्टर का काम है कि आप अस्पताल ना आए, घर में ही स्वस्थ रहें। जी डॉक्टर साहब, आपको इस करियर में कभी ऐसा अनुभव हुआ जो कभी दिल को छू गया, कभी ऐसा लगा कि मैंने सही रास्ता चुना है? लोगों के जीवन में बदलाव आपने कैसे लेकर आए, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं जब राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हाउसअप कर रहा था उस टाइम में, तो मुझे वो अपना जिंदगी का एक दूसरा गोल्डन पीरियड मानता हूँ अपना। तो वहां पर इतना कुछ लोगों से, इतना जो मरीज थे, ये आलम था कि मैं 24 घंटे वार्ड में पड़ा रहता था, तो उस टाइम में कुछ मरीजों से मेरे इतने अच्छे संबंध बने मेरे उन परिवारों से, कि आज भी उनसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं, और इतने पारिवारिक संबंध हैं कि एक परिवार के यहाँ जाके, मतलब एक तो मेरी मुंह भोली बहन थी उनके, उसमें तो उनके घर पे जाके मैंने शादी करी थी। मेरा प्रेम विवाह है, तो मुझे कहीं मौका नहीं मिला कहाँ जाऊँ कहाँ, तो अल्टीमेटली मैं उनके पास गया, दीदी प्लीज हमारी शादी कराइए। तो उन्होंने 3 दिन तक भागदौड़ी करा, अल्टीमेटली उन्होंने अपने चाचा को बुलाया, सब लोगों को बुलाया फरीदाबाद में। तो इस तरह का मेरा उन सब लोगों से, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं या हम लोग भी छुट्टी लेते हैं घर जाने के लिए, पर आपने अस्पताल में ही अपने परिवार के सदस्य उनको मान लिया, पेशेंट्स को। आज की डेट में भी उनसे कई सारे लोग हैं जिनसे मैं अभी मेरे पारिवारिक संबंध है, अभी भी वो सब लोग मेरे घर पे आते हैं, उनके सब दुख दर्द में मैं शामिल होता हूँ, वो मेरे दुख दर्द में शामिल होते हैं। और जहाँ तक अब की बात है, अभी मेरे जितने रेजिडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बल्कि मेरे डिपार्टमेंट कुछ लोग कहते हैं आप तो पापा हो सबके, क्योंकि मेरा व्यवहार शायद सबसे शायद वही है, कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रख सकूं और सबके चेहरे पर मुस्कान दे सकूं। क्योंकि कम्युनिटी शब्द आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपने उस कम्युनिटी को परिवार की तरह अपनाया है। और देखिए, जब हम इस प्रकार की भावना लेकर साथ में चलते हैं, कल्याण की भावना लेकर साथ में चलते हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार अपने आप आ जाता है और निकल कर आते हैं भावनाओं की ओर, संगीत की ओर चलते हैं। डॉक्टर साहब, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? एक गाना जो है मेरे दिल के बहुत नजदीक है, जो बहुत पहले से मैं गाता रहा हूँ, कई प्लेटफॉर्म पे गाया है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। मुझे लग रहा है कि पहले आप इसे गाकर सुनाएं, फिर ही मैं ये अपने श्रोताओं को गीत सुनवाऊंगी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के गीत जलाए दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन
बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और ये कार्यक्रम था आज के मेहमान। दोस्तों, ये बातचीत इतनी रोचक थी कि इसे एक अंक में समेटना नामुमकिन था। तो इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी दिन, इसी समय पर। तो अभी हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। डगर है FM गोल्ड, शामों
मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए आज सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर, इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें आज सुबह 11 बजे मन की बात। Thank you.
जब रात का घूंघट उतरेगा और दिन की डोली गुजरेगी, तब सपना आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी